हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा एक्सप्लोरर। हम आज इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट करती है और हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है वो कैसे बैलेंस रखता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इससे पहले वन हमने वीडियो डाला है वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, वो कहाँ लोकेटेड है, कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उनके बारे में हमने स्टडी किया था। ओके, तो आज हम हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये दोनों हार्मोन्स रिलीज करके किस प्रकार हमारे बॉडी को बैलेंस रखते हैं और इसके पीछे के जो बैलेंसिंग का वर्क है वो कंट्रोल होता है सिस्टम से और उसे हम निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। ओके, तो इससे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए कि यानी कि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देन स्टार्ट द निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज नथिंग बट द वर्क ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। अगर लेट स्टार्ट द रिलीज ऑफ एन इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन फॉलो स्टिमुलेशन ऑफ द ग्लैंड बाय स्पेसिफिक रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस एंड कैरिड थ्रू द ग्लैंड थ्रू द पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। मीन्स कि हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन सिक्रीट करती है और वो हार्मोन सिक्रीट करने को जो फॉलोज करती मीन्स सिक्रीट करने का इंडिकेशन जो है वो हमारे हाइपोथैलेमस बताते हैं और उसके बाद हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे ब्लड वेसल्स तक उनके टारगेट तक पहुंचाती है। और इस सिस्टम को जो वर्क है ये सिस्टम का वर्क जो कंट्रोल होता है इस मैकेनिज्म को निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। देखिए कैसा काम करते हैं। व्हेन देयर इज अ लो लेवल ऑफ हार्मोन इन द ब्लड सप्लाइंग द हाइपोथैलेमस इट्स प्रोड्यूस द एप्रोप्रिएट रिलीजिंग हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ अ ट्रॉफिक हार्मोन बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी। जिस हार्मोन्स की कमी हमें हमारे बॉडी में लगने लगती है जिस हार्मोन्स की कमी हमें हमारे ब्लड में लगती है तब हाइपोथैलेमस वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जितनी क्वांटिटी में हमें रिक्वायरमेंट है उतनी क्वांटिटी में, और वो क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है उतना हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करेंगे। फिर क्या करेंगे, वो स्टिमुलेट रिलीज ऑफ अ ट्रॉपिक हार्मोन बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर वो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी कि हमें कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड है। ट्रॉपिक हार्मोन जो होता है वो ट्रॉपिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। दिस इन टर्न स्टिमुलेट द टारगेट ग्लैंड टू प्रोड्यूस एंड रिलीज इट्स हार्मोन। देन ये पूरा प्रोसेस क्या करता है, वो टारगेट ग्लैंड के पास आता है प्रोड्यूस करता है और हार्मोन्स रिलीज करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड लेवल ऑफ हार्मोन राइजेस एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ रिलीजिंग फैक्टर बाय द हाइपोथैलेमस। देन वो जब हमारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है ब्लड लेवल की देन हार्मोन्स फिर से रिलीज होता है राइज होता है और वो इनहिबिट्स करता है सिक्रीशन ऑफ रिलीजिंग फैक्टर बाय द हाइपोथैलेमस। फिर हाइपोथैलेमस फिर से बताता है कि अब हमारी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गए अब स्टॉप हो जाओ अब इनहिबिट हो जाओ। फिर उसके बाद वो जो हार्मोन्स है वो इनहिबिट करते हैं और हमारे ब्लड वेसल्स में बैलेंस होते हैं। ओके, हमने ये थ्योरेटिकल देख लिया है अब हम डायग्रामेटिकली देखेंगे, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा हाइपोथैलेमस है ये डिटेक्ट करता है, क्या डिटेक्ट करेगा, रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करेगा। हार्मोन्स रिलीज करने के बाद एंटीरियर लोब जो हमारा वो कंट्रोल सेंटर है वो क्या करेगा,
ट्रॉपिक हार्मोन्स रिलीज करेगा। ट्रॉपिक हार्मोन्स टू टारगेट ग्लैंड्स, किसके लिए? टारगेट ग्लैंड्स के लिए। फिर हमारा टारगेट ग्लैंड आएगा, फिर वो हार्मोन्स टारगेट ग्लैंड पे आएगी और उन पे इफेक्ट करेगा। ओके, फिर राइजेज ब्लड लेवल ऑफ टारगेट ग्लैंड हार्मोन्स, फिर ब्लड वेसल्स में वो बैलेंस हो जाएगा जो हमें हार्मोन्स चाहिए था, फिर हार्मोन्स का यूज होगा, फिर लोअर ब्लड ऑफ लेवल्स टारगेट ग्लैंड हार्मोन्स, देन हमारे बॉडी में यूज होने के बाद फिर से लो हो जाएगा, लो होने के बाद वो फिर से स्टिमुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस को बताएगा, फिर से वो इंक्रीज करेगा, फिर से क्या होगा, हमारा काम हो गया, फिर हम नहीं चाहिए, फिर जो हार्मोन्स रिलीज हुए टारगेट के पास ग्लैंड सेल्स के पास वो बताएगा कि अब हमें नहीं चाहिए, फिर हाइपोथैलेमस को बताएगा कि इनहिबिट कर दो। ओके, तो ये सारा वर्क हाइपोथैलेमस करती है। फिर से देखेंगे, हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया, डिटेक्ट होने के बाद हार्मोन रिलीज हुआ, हार्मोन्स कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, एंटेरियर के पास, एंटेरियर क्या करेगा, ट्रॉपिक हार्मोन्स रिलीज करेगा और वो टारगेट ग्लैंड के पास जाएगा। टारगेट ग्लैंड के पास गए के बाद उसका रिलीज जो ब्लड हुआ है, हमारा जो ब्लड लेवल है, ब्लड में जो हार्मोन्स है वो बैलेंस होगा, हार्मोन्स यूज होगा, फिर से वो कम होगा, फिर वो स्टिमुलेट करेगा, फिर वो हाइपोथैलेमस के पास, और यूज होने से पहले अगर वो ज़्यादा लगे तो हाइपोथैलेमस को बताएगा कि अब इनहिबिट कर दो। ओके, इस तरह से वर्क कर दे। आप एक दो बार ये चार्ट देख लेंगे तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अब समरी की, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन्स, फंक्शन क्या है, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, प्रमोट्स टिश्यू ग्रोथ एंड स्पेशली बोन्स एंड मसल्स। हार्मोन्स के नाम में ये ग्रोथ करेंगे टिश्यू के और बोन्स के। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड सीक्रेशन ऑफ T3 एंड TH। ACTH एंड एड्रिनोकॉर्टिकोइक हार्मोन स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सीक्रेट ग्लूकोनोकॉर्टाइड्स। नेक्स्ट PRL, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन इन द ब्रेस्ट। FSH, फॉलिकल स्टिमोन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस, स्टिमुलेशन सिक्रीशन ऑस्ट्रीजिन बाय द ओवरीज, मैच्योरेशन ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स, ओवुलेशन मीन्स ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ये हार्मोन्स रिलीज होता है। LSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय द टेस्टिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय द कॉर्प्स ह्यूमन। तो ये इस प्रकार ये हार्मोन्स है और ये रिलीज होते हैं और उनके ये फंक्शन से। ओके, तो ये हो गया हमारा एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा और जो फंक्शंस थे वो देखे, और एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होती और उनके फंक्शन देखे। इससे पहले आप इंट्रो वाला वीडियो देख लीजिए और उससे पहले भी एक एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन डाला है वो देख लेंगे विद डायग्राम। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, थैंक यू।